गुड आफ्टरनून सर। तो सर आप चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, आपका वेलकम। तो सर आप लोग इंटर स्टेट बाउंड्री इशू के लिए आए हैं, तो आप लोग को क्या क्या रिपोर्ट मिला है इसमें गाँव वालों से? तो आज ये हमारा ये तीसरा दिन है, आज पिन बिरोई ये जो गांव है चांगलांग इसमें है, जयरामपुर के सक्के है ये जो, और वेरी आइसोलेटेड गांव है। तो हम लोग यहाँ आया है, यहाँ का जो गांव वालों का जो यहाँ का लोगों का जो स्थानीय लोग है उनका जो दुख दर्द है उसको समझने के लिए, क्योंकि ये जो लेका पानी और लेदो से ये सटके है ये जो गांव है। तो काफ़ी हम लोगों को देखने मिला है यहाँ इतना एक डेवलप्ड नेबर्स, यहाँ जो हिस्टोरिकल स्टील वेल रोड भी यहाँ से जा रहा है, लेकिन भी जस्ट 5-6 किलोमीटर्स का ही फासला है, उसमें भी यहाँ लिंक रोड्स नहीं है, बस्ती वालों को काफ़ी तकलीफ में है। और जो इंटर स्टेट का जो बाउंड्री जो ज्वेलर्स का जो प्रॉब्लम है, इट्स कॉमन नॉट ओनली टू पिनबिरो विलेज, इट्स नॉट कन्फाइंड और आइसोलेटेड टू पिनबिरो विलेज का, सब आप अपूमपारे का बोलो, इट्स लोअर सुबनश्री, सियांग का बोलो, इवन इन द कमिंग बेल्ट, एवरी वन हैज़ द सेम फीलिंग। जो हमारा जो असम जो प्रदेश उसके जो सदके हैं लोग अनसर्टेनिटी में हैं, अपना जो ज़मीन का मालिक होके भी जो हिस्टोरिकल जो इतिहास हम लोग अगर देखेगा तो बहुत आगे में था हम लोग का ज़मीन, लेकिन समय का चलते हुए और क्योंकि हम लोग का जो आदमी लोगों ने छोड़ छोड़ के आया और कभी वहाँ का पॉपुलेशन असम में एक्सप्लोर होने कारण से दखल के आया, तो अभी बहुत पीछे तक आ गया है, ऑलमोस्ट बोला जाए तो फुट हिल्स तक है। तो हम देख रहा है अभी जब बात चर्चा चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में नॉट ओनली असम अरुणाचल सारा जो नॉर्थ ईस्ट का असम का साथ जो बाउंड्री इशूज है उसको हाईएस्ट लेवल में यूनियन गवर्नमेंट लेवल में जब पहल कर रहा है, और हम लोगों को जब सुनने मिल रहा है कि हमारा जो स्टेट का मुख्यमंत्री जब बोल रहा है कि द बाउंड्री प्रॉब्लम विल बी सॉल्व आउटसाइड द कोर्ट, तो हम लोगों को भी एक अपना से होमवर्क भी करना पड़ेगा, हम लोग को ऐसा लगा आपसू को, इसलिए हम लोग यहाँ टूर कर रहे हैं। हम लोग कांकू में था, इन लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, कल हम लोग लोंगडिंग में था, आज हम लोग यहाँ चांगलांग में, कल हम लोग चांगलांग पहुँचा हेडक्वार्टर में, वहाँ डीसी से एसपी से बात किया, और आज हम लोग यहाँ पिन बिरोई पहुँचा है, और आगे भी एक दो बस्ती हम लोग देखा है। तो यहाँ का जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट बना के हम लोग जब ज्वाइन हाई पावर कमेटी मीटिंग हो हम लोग गवर्नमेंट में इसको सौंपेगा। थैंक यू सर। सर और एक क्वेश्चन, जो अफेक्टेड विलेजेस है उनके लिए आपका मैसेज ये है, हम जो अफेक्टेड विलेजेस है हम लोग अभी भी मैं जस्ट यहाँ पब्लिक मीटिंग में बोला हूँ, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द इंटर स्टेट बाउंड्री ड्वेलर्स बिकॉज दे एक्ट एज अ सेंटिनल फॉर अस, वो हमारे लिए एक द्वार है, एक हमारे लिए एक रक्षक है। उन लोग जहाँ जितना प्रॉब्लम होने से भी उन लोग उसको रेसिस्ट करता है, अदरवाइज असम हो इवन इन द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑल्सो, जो बाउंड्रीज में रहता है चाइना साइड में बोलो, जो वहाँ लोग वहाँ बसता है वही उसको रेसिस्ट करता है। यहाँ में भी इवन इफ वी रिसाइड इवन वी आर अंडर द वन कंट्री इन इंडिया, लेकिन भी इंटर स्टेट प्रॉब्लम्स होता है, तो उसमें भी जो अभी आज यहाँ पिन ब्यूरो आया है तो पिन ब्यूरो दे रेसिस्ट फॉर द होल ऑफ द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एंड इन जनरल फॉर ऑल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो मैं उन लोगों को यही एक मैसेज और मेरा एक कन्वे मैंने किया है कि दे शुड नॉट फील अलोन, और जो भी जो समस्या है उसको आपसू भी साथ में है, सारा अरुणाचल का समाज साथ में है, जो भी ये होगा समस्या को हल करने का जो भी प्रक्रिया स्टेट गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट का साथ लेगा उसमें हम लोग हमेशा सब लोग शरीक रहना है, सहभागी रहना है, हम लोग अपना ओपिनियन देगा, और जो भी सोल्यूशन आएगा जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो या इनसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हो, तो जो हम लोग के लिए हित में होगा उसी का आधार पे हम लोग वो करेगा, ऐसा मैंने यहाँ जो गांव वालों को भी बोला है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ऐसा है कि बात जो अभी आपसू टीम भी आया हुआ है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपसू ऑलरेडी स्टेट का हाई पावर कमेटी का टीम में है, ऑलरेडी मेंबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आपसू इस चीज़ को और आगे ले जाए और स्टेट गवर्नमेंट को हमारा जो ग्रीवेंसेस है यहाँ का जो है मेरा ज़िला का जो है, तो मैं होप करता हूँ कि आपसू आगे ले जाए और यहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्योंकि गाँव ये गाँव वाला मेरा ज़िला जो है जो कॉन्स्टिट्यूंसी है काफ़ी तकलीफ तो फेस करता है असम गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत सारा इंक्रोचेस भी है और बहुत सारा लैंड का प्रॉब्लम्स है, झूम खेती कल्टीवेशन जो है यहाँ का जो है गांव वाला है स्पेशली झूम के कल्टीवेशन पे डिपेंड करता है, तो उन लोगों के झूम कल्टीवेशन आपका पूरा बर्बाद कर देता है, काट देता है, तो ऐसा करके काफ़ी लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी इन फ्यूचर हो सकता है ये सब चीज़ को लेके। और हमारा ऑलरेडी अदर स्टेट्स में जैसे कि आपका मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ऑलरेडी उसमें भी टेंस ऑलरेडी है, और अभी फ़िलहाल अरुणाचल में भी अंदर ही अंदर एनक्रोचमेंट्स तो है असम ऑफिशियल्स की तरफ से, तो हम चाहते हैं कि पीसफुली टैकल हो और
हमारा यहाँ पे अच्छा से, और टीम अफसू भी इनको बॉर्डर एरियाज़ को अच्छा से लैंड सर्वे करके हाई पावर कमेटी को सबमिट करने से ठीक है, वही मैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो जितने भी बॉर्डर एरियाज़ में गांव वाले हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि दे शुड बी स्ट्रॉन्ग, और ये जो है जो आउटसाइड फोर्स है उनका जो है इल इंटेंशंस है उसको रोकने के लिए हमारा जो है गांव वाला स्ट्रॉन्ग रहना है बॉर्डर एरियाज़ में, ताकि हम अपनी जगह को प्रोटेक्ट कर सकें, हमारे डिस्ट्रिक्ट को सही सलामत प्रोटेक्ट कर सकें।